चुड़ैलों की चाय टपरी। केदारनाथ के छोटे से इलाके में एक छोटी सी चाय की टपरी थी, जिसमें तीन बहनें चाय बनाकर लोगों को बेचा करती थीं, जिनका नाम सुष्मिता, भानुमति और दृष्टि था। सुष्मिता और भानुमति दोनों दृष्टि की बड़ी बहनें थीं, वहीं दृष्टि सबसे छोटी और सबसे ज्यादा चंचल थी। पूरे इलाके में उन तीनों बहनों की चाय सबसे ज्यादा मशहूर थी, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा कमा भी रही थी। जो भी केदारनाथ घूमने आया करता, वो उन तीनों बहनों की चाय की टपरी में चाय पीने जरूर आता। एक दिन एक कपल शादी के बाद वहाँ घूमने जाते हैं। आपको पता है यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ पर एक चाय की टपरी है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट चाय पीने को मिलती है। अनन्या, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये चाय की टपरी क्या होता है? अरे बुद्धू, टपरी मतलब चाय की एक छोटी सी दुकान। चलो हम भी इन तीनों बहनों की चाय की दुकान पर चलते हैं। चिराग अपनी पत्नी अनन्या की बात मानकर उन तीनों बहनों की चाय की दुकान में रास्ता पूछते पूछते पहुंच जाता है। अरे यार, कितनी दूर है इन तीनों बहनों की चाय की दुकान। चलो कोई नहीं, आखिर हम पहुंचे तो सही। सुनिए, जरा हमारे लिए दो कप गर्मा गर्म चाय बना दीजिए। बहुत दूर से हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी चाय की दुकान से चाय पीने के लिए। अरे भानुमति, जरा साहब और मैडम के लिए चाय तो चढ़ाना। अभी चढ़ाती हूँ दी। भानुमति चाय का बर्तन रखकर उसमें चाय बनाने लगती है। देखते ही देखते वो एक लाजवाब जायकेदार खुशबू वाली चाय बना देती है, जिसकी खुशबू सूंघते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी भानुमति चाय को कप में डालकर दृष्टि से कहती है, अरे छुटकी, तनिक इधर तो आओ, ये लो चाय लेकर जाकर साहब और मैडम को दे दो। दृष्टि चाय के कप उठाती है और उन्हें ले जाते हुए कहती है, चाय गरम चाय, चाय गरम चाय, चाय गरम चाय, चाय वाला चाय, ये लो साहब आपकी चाय, ये लो मैडम ये आपकी चाय है। अरे तुम तो बहुत ही प्यारी हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दृष्टि है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ और अपनी दोनों बहनों की मदद करती हूँ। दृष्टि की बात सुनकर अनन्या को हंसी आ जाती है। तभी वहाँ सुष्मिता पहुँच जाती है। दृष्टि, मेहमानों को ऐसे परेशान मत करो, उन्हें आराम से चाय पीने दो। इतना कहकर सुष्मिता अपनी छोटी बहन दृष्टि को वहाँ से ले जाती है, लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिसे देखकर सुष्मिता उन दोनों से कहती है, अरे अब तो बारिश होने लगी है और बारिश होने के बाद यहाँ के रास्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। अगर आप दोनों चाहो तो बारिश रुकने तक हमारी दुकान में रुक सकते हो। सुष्मिता की ये अच्छाई देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और बारिश रुकने का वहीं इंतजार करने लगते हैं। और बारिश रुकने तक वो सुष्मिता की दुकान की कई सारी चाय स्वाद स्वाद में पी जाते हैं। और बारिश रुकने के बाद वो दोनों वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और कुछ गलत ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं कुछ ऐसा उन तीनों बहनों के साथ भी हुआ। उनकी ही दुकान के पास एक विमल नाम के आदमी का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, लेकिन आप लोग तो जैसे जानते ही हो कि ऊंची दुकान के फीके पकवान। वो अपनी चाय में दूध कम पानी ज्यादा मिलाया करता था, जिसकी वजह से उसका चाय का रेस्टोरेंट चल नहीं पाता था। जो भी ग्राहक आता है वो सीधा इन तीनों बहनों की चाय की टपरी में घुस जाता है। अरे इस टूटी फूटी दुकान में उन्हें क्या स्वाद मिलता है जो मेरे इतने अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं है। मुझे इसका कुछ तो उपाय निकालना ही होगा। एक रात वो तीनों बहनें काम खत्म करके अपनी चाय की दुकान में ही सो जाती हैं। इस बात का फायदा उठाकर विमल रात के समय उनकी चाय की दुकान के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, जिसके बाद वो तीनों बहनें आग में जलने लगती हैं। लेकिन सुष्मिता और भानुमति अपनी छोटी बहन दृष्टि को उस आग से किसी तरह बाहर निकाल देती है और उसकी जान बचा देती है, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचा नहीं पाती और आग में जलकर मर जाती हैं। इस दुर्घटना के बाद दृष्टि यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाने लगती है। उसका कोई सहारा नहीं था। वो लोगों के घरों में जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करती और हर रात रोते हुए अपनी दोनों बहनों को याद करने लगती। सुष्मिता दीदी, भानु दीदी, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मैं आप दोनों के बिना कैसे जीऊंगी? दृष्टि रो ही रही होती है, इतने में वहाँ सुष्मिता और भानुमति की चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है, जो उससे कहती है, दृष्टि रोना बंद करो, हम कहीं नहीं गए हैं, हम तुम्हारे पास ही हैं और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। छुटकी, तुझे छोड़कर भला हम कहीं जा सकते हैं क्या? हम तेरे लिए वापस लौट कर आए हैं, चला जा, हमें गले से लगा ले। दृष्टि खुशी से अपनी दोनों बहनों की चुड़ैलों को गले से लगा लेती है। वहीं अगले दिन सुबह जैसे ही होती है, दृष्टि और भानुमति दोनों इंसानी रूप में बदलकर अपनी चाय की टपरी पर दोबारा से खड़ी रहती हैं और चाय बनाने का काम शुरू कर देती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए,
हम लोग अपनी चाय बनाने का काम कभी नहीं छोड़ेंगे। वो तीनों बहनें दोबारा से चाय का काम शुरू कर देती हैं और पहले की ही तरह उन तीनों बहनों की दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगती है। ये सब विमल देख लेता है, जिसके बाद वो खुद से ही कहता है, अरे बाप रे बाप, उस रात मैंने इन तीनों को जलाकर मार दिया था, फिर ये तीनों जिंदा कैसे हो सकती हैं? मुझे तो लगता है ये तीनों चुड़ैल बन गई हैं और उसके बाद भी यहाँ चाय बेचने का काम कर रही हैं। मुझे ये बात सभी लोगों को बतानी होगी। विमल आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें इन तीनों के बारे में भड़काता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर विमल के साथ सुष्मिता की चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे चुड़ैल की बच्ची, तू हमारे यहाँ क्या कर रही है? अगर तू मर चुकी है तो तू चाय कैसे बना रही है? हे भगवान, बाप रे बाप, इन चुड़ैलों की हिम्मत तो देखो, हमारे ही इलाके में चाय बेच रही हैं, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये चुड़ैल है चुड़ैल, ये सीधी तरह यहाँ से जाएंगी नहीं, इन्हें तो पत्थर उठाकर मारो तभी इन्हें सबक मिलेगा। गांव के सभी लोग मिलकर उन तीनों को पत्थर उठाकर मारने लगते हैं। सुष्मिता और भानु को पत्थर लगने के बाद कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन दृष्टि के जैसे ही पत्थर लगता है उसके माथे से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर भानुमती और सुष्मिता बहुत गुस्से में आ जाती हैं और उसी वक्त वे अपने असली रूप में आ जाती हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कसूर है हमारा जो तुम हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे? अरे चुड़ैल की बच्ची, तेरा कसूर ये है कि तू चुड़ैल होकर भी चाय बेच रही है, तुम्हारा भांडा तो फूटना ही था ना। तभी सुष्मिता को विमल की बात कुछ अटपटी सी लगती है, जिसके बाद वो गुस्से से विमल से कहती है, तुझे कैसे पता कि हम मर चुके हैं और मरने के बाद भी चाय का काम कर रहे हैं? विमल ने एक बार भी नहीं सोचा और अचानक से कह देता है, अरे मैंने ही तो तुम दोनों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा कर जलाया था, तो क्या मुझे नहीं पता होगा कि तुम तीनों मर चुकी हो और चुड़ैल बन चुकी हो? विमल की बात सुनते ही सभी लोग विमल को घूर घूर कर देखने लगते हैं, जिसके बाद भानुमती और सुष्मिता विमल की गर्दन को गुस्से से पकड़ लेती हैं और उससे कहती हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी मौत किस वजह से हुई है, लेकिन ये बताकर तूने अच्छा ही किया, अब तुझे भी सजा मिलनी चाहिए। दीदी इसे मत छोड़ना, इसके जैसे मुजरिमों को तो बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए। सुष्मिता और भानुमती उन दोनों को पटक पटक कर मारने लगती हैं कि तभी वहाँ चिराग और अनन्या पहुँच जाती हैं और उन्हें ये सब करने से रोकती हैं। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम दोनों ये क्या कर रही हो? तुम बहुत अच्छी दिल की हो, तुम्हें ये सब करते हुए शोभा नहीं देता। लेकिन इसने हमारी हस्ती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, इसे हम कैसे छोड़ें? अरे इसको कानून सजा देगा, इसे छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ से मुक्त हो जाओ। हम अपनी छोटी बहन दृष्टि के लिए यहाँ रुके हुए हैं, उसका हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों चुड़ैल बहनों की बातें सुनने के बाद अनन्या की आंखों में आंसू आ जाता है, जिसके बाद अनन्या उन दोनों चुड़ैल बहनों से कहती है, आज से तुम्हारी बहन हम दोनों की बेटी हुई, इसको पढ़ाने की और अच्छी परवरिश देने की जिम्मेदारी हमारी हुई। अनन्या की ये बात सुनकर सुष्मिता और भानुमती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। वहीं चिराग विमल को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद विमल को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और अनन्या अपने पति चिराग के साथ दृष्टि का बिल्कुल अपनी एक बेटी की तरह ध्यान रखने लगती है। जंगली चुड़ैल का खौफ। मानसरोवर जंगल में तीन दोस्त जैक, युग और योगेश तीनों ही उस जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे थे, तभी उस जंगल के अंदर एक बोर्ड पर लिखा था, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। ये देख जैक बोलता है, अरे योग और योगेश भाई, बोर्ड पर लिखा है अंदर जाना खतरे से खाली नहीं, हम लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? हम लोग अपनी कैंपिंग यहाँ भी तो कर सकते हैं ना। अरे यार तुम कितने डरपोक हो, थोड़ा निडर हो जाओ। इतना कहकर वो तीनों दोस्त जंगल में आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। वो जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी उन्हें एक बरगद के पेड़ के ऊपर लिखा दिखाई देता है, रोशनी को बुलाना मना है। दोस्तों देखो इस पेड़ पर क्या लिखा है, रोशनी को बुलाना मना है। दोस्तों प्लीज यहाँ से घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। शट अप, तुम सच में बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। देखो मैं रोशनी का नाम लूंगा और उसको यहाँ पर बुला लूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये मैं तुम दोनों से वादा कर रहा हूँ। इतना कहकर योगेश रोशनी का नाम लेते हुए गाना गाने लगता है, रोशनी रोशनी एक बार आजा आजा आजा, दीदार को तरसे अखिया न दिन गुजरे न कटे रतिया, एक बार आजा आजा आजा। ये गाना सुनकर उस जंगल में अब तेज तेज हवाएं चलने लगी और अचानक ही वहां पर एक काला साया घुटनों के बल दौड़ते हुए आता है और अचानक ही योगेश के अंदर प्रवेश कर जाता है। योगेश को एक झटका लगता है,
और वह अपनी गर्दन झुकाए शांत खड़े हो जाता है। उसको देख युग और जैक योगेश को आवाज लगाते हैं। योगेश योगेश तुम ठीक हो? अभी जो हम लोगों के सामने एक साया आया था, क्या तुमने उसे देखा? तुम्हें उसके साये से क्या मतलब है? उसकी आवाज सुनकर वो दोनों अब बहुत डर जाते हैं। डर के मारे उनके पैर कांपने लगते हैं। वो दोनों अब धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे की ओर खींचने लगते हैं कि तभी अचानक योगेश पीछे घूम जाता है और उन दोनों को अपने दोनों हाथ लंबे करके गर्दन से पकड़ उन्हें हवा में लटका देता है और दूर जाकर फेंक देता है। इस तरह जैक और युग के सर में चोट लगने से मौत हो जाती है। तभी योगेश भी वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इस तरह अब दो दिन गुजर गए थे और उन तीनों का गांव में कोई अता पता नहीं था। योगेश की माँ पुलिस को लेकर जंगल में उन तीनों बच्चों की छानबीन करती है, जहाँ योगेश की दिमागी हालत खराब हो रखी थी और योगेश एक जगह डरा और सहमा हुआ बैठा था। ये देख पुलिस उसे अब हॉस्पिटल भिजवा देती है और छानबीन के दौरान जैक और युग की लाश मिलती है। आखिर दो दिन पहले उन लोगों के साथ क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता था, और ये सच पता लगाने के लिए पुलिस योगेश के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है। योगेश, उस रात क्या हुआ था और तुम इस तरह एक किनारे क्यों बैठे हुए हो? योगेश पुलिस की बातों का जवाब नहीं देता और डॉक्टर पुलिस के पास आकर कहता है, इंस्पेक्टर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अभी योगेश की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब वो थोड़ा बहुत ठीक होगा तब आप खुद ब खुद यहाँ पर आ जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। डॉक्टर की बात मानकर पुलिस वहां से चले जाती है और इस तरह डॉक्टर अब योगेश का इलाज करने लगती है, लेकिन योगेश की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता। योगेश की माँ लीलावती योगेश के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और रोते हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। हे भगवान, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। एक तो पति ऐसा मिल गया, उसने मेरा साथ नहीं दिया, और एक मेरा बेटा, तूने उसे भी दिमागी हालत से खराब कर दिया। लीलावती रोते रोते वहीं सो जाती है और इस तरह अब रात के 2 बज जाते हैं कि तभी योगेश के हाथ और पैर दोनों ही अब उल्टे हो जाते हैं और अचानक योगेश की आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो रखी थी और वह अजीबोगरीब आवाज निकालने लगता है। वह अपनी आवाज से अपने साइड में रखे हुए टेबल के ड्रॉअर को कभी बंद करता तो कभी खोलता। ये देखकर लीलावती की आंखें खुल जाती हैं और वह इतना भयानक मंजर देख डॉक्टर को आवाज लगाती है। डॉक्टर डॉक्टर यहाँ आइए, देखिए मेरे योगेश को क्या हो गया। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर वहां आता है और योगेश की ऐसी हालत में देख वो नर्स से बोलता है, नर्स गिव मी फास्ट स्लीपिंग इंजेक्शन। नर्स उसको इंजेक्शन देती है और जैसे ही डॉक्टर वो इंजेक्शन योगेश को लगाने जा रहा था कि तभी योगेश डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और भयानक आवाज में बोलता है, तू मुझे इंजेक्शन लगाएगा? इस इंजेक्शन से तू योगेश को तो सुला सकता है लेकिन इसके अंदर की आत्मा को नहीं। ये सुनकर डॉक्टर के हाथों से इंजेक्शन नीचे गिर जाता है और वो डर के मारे पीछे की तरफ हट जाता है। अब योगेश की इस भयानक हरकतों को देख वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। डॉक्टर उस भीड़ के पीछे खड़ा हो गया था और योगेश हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी इतनी भयानक हंसी देख लीलावती उससे बोलती है, आखिर तुम कौन हो जो मेरे बेटे के शरीर में आ रखी हो? आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? तेरे बेटे ने मुझे खुद आमंत्रित किया है, उसने अपने शरीर में मुझे रहने का खुद आमंत्रण दिया है। मैं इतनी आसानी से योगेश के शरीर को छोड़कर नहीं जाऊंगे। आखिर क्यों? मेरा बेटा तुझे नहीं जानता। नहीं जानता मुझे? उससे मतलब नहीं है, उसने मुझे आमंत्रित किया। मैं इस जंगल की खौफनाक चुड़ैल हूँ और इसने मुझे बुलाने की हिम्मत करी है। इसने मेरे लिए गाना गाया था, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ? इसने तुम्हारे लिए गाना गाया तो क्या तुम इसको अपने शिकंजे में ले लोगी? हाँ बिल्कुल, मैं इसको अपने शिकंजे में ले लूंगी और इसको अपने से कभी भी अलग नहीं करूंगी। मुझे किसी ने भी आज तक इतने प्यार से आवाज नहीं लगाई, प्यार से नहीं बुलाया। अब जब इसने बुलाया है तो मैं इसको वैसे कैसे छोड़ दूँ?
एक तरफ तो लीलावती और योगेश के अंदर की आत्मा आपस में बात कर रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हॉस्पिटल के मंदिर में जाता है और भगवान की मूर्ति के गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर हाथ में गंगा जल लेकर योगेश के कमरे में आता है और रुद्राक्ष की माला योगेश के गले में डाल देता है। इस तरह चुड़ैल योगेश के शरीर को छोड़कर बाहर की तरफ निकल जाती है और उससे बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे इससे अलग करने की कोशिश करी, अब तू नहीं बचेगा। तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब जो मैं तेरे साथ करने वाला हूँ तूने उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसका मतलब तू मुझसे डर नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब जो मैं तेरे साथ करूँगी उससे तू जरूर डरेगा। चुड़ैल उसको कुछ करे इससे पहले डॉक्टर उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। इस तरह चुड़ैल जलने लगती है और जाते जाते वो सभी को धमकी देते हुए जाती है, तुम लोगों ने मुझे धोखे से मारा, आज मैं जलकर मर रही हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ मैं अपनी मौत का बदला लेने जरूर आऊंगी, और जिस दिन मैं यहाँ आई तो इस योगेश के साथ साथ तुम सभी का सर्वनाश कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल जलकर वहीं भस्म हो जाती है और इस तरह योगेश को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद योगेश अपनी माँ के साथ वो गांव छोड़कर शहर में शांति से जीने लगता है। सी दिस नैना, कितना प्यारा लग रहा है ना ये हाउस, शहर के मॉडलर हाउस से एकदम अलग और शानदार है। या इट्स रियली यूनिक, रिवर के बीचों बीच बैम्बू ट्री का ये हाउस वेकेशन एंजॉय करने के लिए एकदम मस्त है। पता है ये बैम्बू ट्री हाउस रात के अंधेरे में दिन के उजाले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब तारीफ के पोली बांधते रहोगे या फिर इसके अंदर भी चलोगे? वो दोनों कपल उस घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ कोई नहीं था। थोड़े ही वक्त बाद रात का घना अंधेरा उस घर को चारों तरफ से जकड़ लेता है। तभी बांस का बना हुआ घर जोर जोर से हिलने लगता है, जिसे देख कर नैना डर कर कहती है, मोहित ये घर अचानक से इतनी जोर से हिल क्यों रहा है? अरे नदी के किनारे खड़ा है ये घर, लहरों की वजह से हल्की हिलडुल आम बात है यार। खौफ ने मोहित को भी अंदर तक झकझोर दिया था, पर नैना डर न जाए इसलिए उसने बात को पलट दिया, क्योंकि उस घर के अंदर और वहाँ दूर दूर तक उनके अलावा कोई भी नहीं था। तभी घर में एक अजीबोगरीब सी औरत दो बच्चों के साथ प्रकट होकर कहती है, तुम दोनों इंसानों की जुर्रत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की, ये घर हमारा है। मोहित इसके तो उल्टे पैर है, मतलब ये एक चुड़ैल है। ये दोनों बच्चे भी भूतिया बच्चे हैं कि आंखें एकदम जानवरों की तरह खूंखार हैं। मेरे बच्चों को जानवर कहने की तुमने गुस्ताखी कैसे की, अब मैं तुम्हें जानवरों से भी बदतर मौत दूंगी। ये बोलकर चुड़ैल तेज बवंडर मचाकर उन्हें डराने लगती है और उसका घर तहस नहस हो जाता है। फिर चुड़ैल उन्हें मार कर कहती है, मेरे भूतिया बच्चों इन दोनों मुर्दों की लाशों को उठाकर पानी में फेंक दो, जो हुकुमा अभी इन्हें लहरों के हवाले कर देते हैं। दोनों भूतिया बच्चे उनकी लाशों को उठाकर नदी में फेंक देते हैं और उजड़ा हुआ वेकेशन हाउस फिर से खूबसूरत घर के रूप में खड़ा हो जाता है, जहां चुड़ैल और उसके बच्चे रात भर उस घर में भूतों के रूप में रहते हैं और सुबह होते ही इंसान में बदल जाते हैं। जम्मू में बसे पहलगाम के पास स्थित लिधम नदी के किनारे एक बेहद ही खूबसूरत बैम्बू ट्री का घर बना हुआ था। उस वैकेशन हाउस की देखभाल एक औरत किया करती थी, पर रात के समय वही औरत चुड़ैल बनकर उस घर में वैकेशन मनाने वाले लोगों को मौत के घाट उतारा करती थी। आज भी वो कहती है, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सैलानी आने वाले ही होंगे। माँ हम इस घर का कोना कोना चमका देंगे, जिसे घूमने आए लोगों के पैर अपने आप इस वेकेशन हाउस के बाहर आकर रुक जाएंगे और फिर शुरू होगा उनकी मौत का वेकेशन। थोड़ी देर में समुद्र के किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी घूमने आए दो दोस्त की नजर उस हाउस पर जाती है और वो कहते हैं, यार रॉकी ये हाउस हमारे वेकेशन के लिए कैसा रहेगा? तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, होटल में तो हम हर बार घूमते फिरते हैं, आज चल डिफरेंट बैम्बू ट्री में अपना वेकेशन एंजॉय करें। दोनों उस वेकेशन हाउस की तरफ आकर्षित होकर वापस आकर औरत से कहते हैं, आप यहाँ की केयर टेकर हैं क्या? ऐसा ही समझ लो। ये आपके बच्चे हैं? हाँ, ये वेकेशन हाउस मैंने कड़ी मेहनत से खड़ा किया है और इसे सैलानियों को वेकेशन के लिए किराए पर देकर ही मैं अपना और मेरे बच्चों का पेट भर पाती हूँ। आपका ये वेकेशन हाउस हमें बहुत भाग गया है, इसीलिए हम यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं। यहाँ रहने के लिए हम आपको अच्छी कीमत देंगे। तुम सभी के यहाँ रुकने से तो हमारा गुजर बसर होता है,
तुम आराम करो, मैं रात के खाने का बंदोबस्त करती हूँ। सूरज ढलने के साथ नदी का किनारा एकदम सुनसान और वीरान हो जाता है। दोनों दोस्त अंदर बैठकर घर को निहार रहे थे, तभी चुड़ैल जानवर का कटा हुआ सर लेकर उन्हें परोसते हुए कहती है, खाना तैयार है, चलो जल्दी से आ जाओ। ये तो किसी जानवर का कटा हुआ सिर है। हम यही खाते हैं और अब तुम्हें भी मरने से पहले यही खाना होगा। ये एक भूतिया वेकेशन हाउस है। ये वेकेशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वेकेशन था। हमारी चुड़ैल माँ तुम्हें खत्म कर देंगी। रॉकी, ये कैसा भूतिया वेकेशन हाउस है? मुझे तो इस चुड़ैल और इसके खूंखार बच्चों के चेहरे से डर लग रहा है। मैं तुम्हारे डर को तुम्हें मारकर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। चुड़ैल अपनी गर्दन उलटकर दीवार पर टंगे कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन को पेड़ की तरह काट कर पानी में फेंक देती है और कहती है, जब तक इस नदी किनारे लोगों का आना जाना लगा रहेगा, ये वेकेशन हाउस ऐसे ही लोगों के मौत का कारण बनती रहेगी। सुबह होते ही चुड़ैल और उसके भूतिया बच्चे गायब हो जाते हैं और इंस्पेक्टर कटे सर और लाश को देखकर कहता है, ये इस नदी की 50वीं घटना है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनका कातिल कौन है, कोई जानवर या इंसान? इनमें से तो कोई भी नहीं, यहाँ के हवा पानी सब कुछ हैवान की जकड़ में है। क्या मतलब है तुम्हारा, कौन हो तुम? मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। लोगों की मौत का किस्सा इस वेकेशन हाउस से जुड़ा है। ये तीन एविल हैं। 21वीं शताब्दी में होकर तुम भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन रखते हो? जरूरी नहीं जो आँखों से दिखे नहीं उसका अस्तित्व नहीं होता। यकीन नहीं तो रात होने तक इंतजार कीजिए। दोनों वेकेशन हाउस से थोड़ी दूरी पर खड़े एक बच्चे से बोट के किनारे छुपकर चुड़ैल की राह ताकते हैं। रात होते ही चुड़ैल दहशत मचाते हुए उस घर में प्रकट होकर हंसती है और आदित्य वहां आकर कहता है, रुको, मैं जानता हूं कि तुम एक चुड़ैल हो और ये वेकेशन हाउस भी हॉन्टेड है। और अब ये वेकेशन हाउस तेरी भी जान लेगा। चुड़ैल उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, आदित्य एक स्पिरिट कंट्रोल बुक खोलकर उसमें लिखे वर्ड्स के जरिए उस पर काबू करके उसे धमकाते हुए कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, बताओ क्यों तुम लोगों को इस तरह से मार रही हो। पहलगाम में बसे घने से शीशम जंगल में अनेकों आदिवासियों का बसेरा था। उन्हीं में से एक थी वहाँ रहने वाली यामी, जो अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। एक रोज एक दांडे नाम का क्रूर पुलिस वाला उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों पर बुरी तरह से वार करके उन्हें कहता है, कल भोर की पहली किरण के साथ अगर यह जंगल खाली नहीं मिला तो तुम सभी आदिवासियों को इसी जंगल में दफन कर दूंगा। पर सालों से हम आदिवासी इसी जंगल में रह रहे हैं, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये जंगल सरकारी सीमा में आती है, तुम भूखे नंगों ने सालों से ये डेरा जमा रखा था, अब बस निकलो यहाँ से। सभी आदिवासी डर कर जंगल छोड़ देते हैं और यामी अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे आकर कहती है, मुझे निराश होने की जरूरत नहीं, मेरे हाथों में हुनर है। मैं जंगल के बांस को काट कर एक घर खड़ा करूंगी, जिसे मैं लोगों के घूमने के लिए प्रयोग में लाकर उन पैसे से अपने बच्चे पाल सकूंगी। यामी कड़ी मेहनत करके नदी किनारे बांस का ऊंचा खूबसूरत घर बना लेती है, पर वहां कोई भी ठहरने नहीं आता। और एक रात जब वो बच्चों के साथ सो रही थी, तभी प्रकृति ने आतंक का मंजर लेकर उसके घर को तहस नहस करके उन्हें बहा ले गई और वो मरकर एक चुड़ैल बनकर वहीं वापस आ गई। जो वेकेशन हाउस जीते जी नहीं चला, उसे मैं आज मरकर चला रही हूँ। तुम्हारी मौत प्रकृति का कहर थी, पर इसका बदला तुम बेगुनाह लोगों को मार कर नहीं ले सकती। जाओ अपनी दुनिया में। मैं यहाँ से कहीं नहीं और कभी नहीं जाऊंगी, ये मेरा आशियाना है। आदित्य उसे अपने पैरानॉर्मल की स्ट्रॉन्ग पावर से बांधकर वेकेशन हाउस के साथ चुड़ैल को जलाकर नष्ट कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल और वो वेकेशन हाउस फिर कभी वहाँ दोबारा नहीं दिखता। भूतिया सोने की गाय का गौशाला। वह पूर्णिमा की रात थी, आधी रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। दिन भर काम करके गांव के सभी लोग थक कर अपने घर में आराम कर रहे थे। जोर जोर से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इतनी रात के अंधेरे में एक भयानक भूत और एक भयानक चुड़ैल हवा में उड़ते हुए एक गौशाला के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह डर के मारे दो अलग अलग गायों के अंदर घुस जाते हैं। उन दोनों का मुंह भूत और चुड़ैल का होता है और बाकी पूरा शरीर गाय का। तभी वह दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं, शुक्र है हम बचकर वापस आ गए, नहीं तो आज तांत्रिक बाबा के हाथों हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते। बस आज की रात के बाद वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम उससे अपना बदला जरूर लेंगे। चलो अब हमें अपने काम को अंजाम भी देना है। भूत और चुड़ैल गौशाला से निकलकर शमशान घाट पहुंच जाते हैं। आज पूर्णिमा की रात है,
आज हमें वो शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। कुछ ही देर बाद चंद्रमा के अंदर से एक रोशनी निकल कर आती है जो भूत और चुड़ैल के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद वह दोनों सोने की गाय में बदल जाते हैं। आखिर हम दोनों को हमारी शक्तियाँ मिल ही गईं। चलो अब उसके घर चलते हैं जिसने हमारा ये हाल किया है। भूत और चुड़ैल दोनों मिलकर गांव के मुखिया के घर पहुंच जाते हैं, जहां वे खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी उसे बहुत जोर से टॉयलेट आता है और वह अपने घर से बाहर निकल कर आता है। जैसे ही वह बाहर आता है, उसके सामने एक भयानक भूत और भयानक गाय चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर मुखिया की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। भगवान, तुम दोनों मेरी गिरफ्त से कैसे छूटे, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तूने हमारे साथ बहुत बुरा किया, अब तुझे उसका परिणाम भुगतना होगा। ये कहकर चुड़ैल और भूत दोनों उसे मिलकर खाने लगते हैं, जिसके बाद वह उसे खाकर गांव के कुछ घरों के सामने जाकर अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालने लगते हैं, जिसके बाद वह दोनों वहां से वापस गौशाला पहुंच जाते हैं। कुछ समय पहले की बात है, रामगढ़ नामक एक छोटे से गांव में एक हरिया नाम का आदमी अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। हरिया बहुत ही गरीब था। उसके पास एक रंगीली नाम की गाय थी, जिसका दूध निकालकर वह गांव में जाकर बेच दिया करता था। इसी के द्वारा वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहा था। हरिया की गाय दूध बहुत ही गाढ़ा और स्वादिष्ट निकाला करती थी, जिसके कारण गांव का मुखिया हरिया से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि हरिया की गाय जैसा दूध उसकी एक भी गाय नहीं देती थी। एक दिन वह गुस्से से अपने नौकरों से कहता है, अरे काम चोरो, मैंने तुम्हें इसलिए अपने पास नहीं रखा कि तुम दोनों मुफ्त की रोटी तोड़ो। अरे कुछ तो शर्म करो और इन गाय की अच्छे से देखभाल करो, कम से कम कुछ तो दूध ढंग का मिले। पता नहीं वो कमीना हरिया अपनी गाय को क्या खिलाता है जो उसकी गाय इतना गाढ़ा दूध देती है। रामू और श्यामू को डांटने के बाद मुखिया वहां से गुस्से में चला जाता है और चुपके से हरिया के घर की ताका झाकी करने लगता है, ताकि उसे ये पता चल सके कि हरिया अपनी गाय को चारे के अलावा क्या खिलाता है। लेकिन मुखिया को ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, उसे गाय के आगे केवल घास फूस और चारा ही पड़ा हुआ दिखाई देता है। तभी वह अपने मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं और गाय खरीद लूं, क्या पता इन गायों में ही कोई खराबी हो। ये सोचकर हरिया धीरे धीरे एक के बाद एक गाय खरीदने लगता है, लेकिन उसकी एक भी गाय गाढ़ा दूध नहीं देती। इस बात से मुखिया बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन अपने मन में सोचता है, बहुत हो गया, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। उस रात मुखिया गांव के लोगों से छुपकर काली पहाड़ी वाले अघोरी बाबा के पास जाता है, जिसके बाद अघोरी बाबा मुखिया से कहता है, तुम्हें हरिया और उसकी पत्नी को मारना होगा, जिसके बाद मैं उस गाय की आत्मा को तुम्हारी किसी भी एक गाय के अंदर डाल दूंगा और उसके बाद तुम्हारी गाय गाढ़ा दूध देगी और गांव के सभी लोग तुमसे ही दूध लेंगे। लेकिन याद रहे, तुम उन दोनों की आत्माओं को कैद करना होगा, नहीं तो वो भूत और चुड़ैल बनकर तुम्हें सताएंगे। मुखिया अघोरी की बात सुनकर आधी रात के समय हरिया के घर जाता है और दोनों पति पत्नी को चाकू से मार देता है, जिसके बाद वह उन दोनों की आत्माओं को एक मंत्र द्वारा बोतल में कैद कर लेता है। आखिर मैंने तुम दोनों को कैद कर ही लिया, आज के बाद तुम दोनों मेरा धंधा चौपट नहीं कर सकते, अब गांव में केवल मेरा ही दूध बिकेगा। उसके बाद मुखिया अघोरी बाबा के पास जाता है और जिसके बाद अघोरी बाबा गाय की आत्मा को मुखिया की एक गाय के अंदर छोड़ देते हैं, जिसके बाद वह गाय गाढ़ा दूध देने लगती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। गाय के इतने गाढ़े दूध को देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और केवल मुखिया से ही दूध लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे मुखिया पहले से भी चार गुना अमीर हो जाता है और एक के बाद एक गाय खरीदने लगता है और एक बहुत बड़ी गौशाला के अंदर गायों को रखता है। वहीं दूसरी तरफ वह हरिया और उसकी पत्नी की आत्माओं को कैद करके एक तहखाने में बंद कर देता है। हरिया और उसकी पत्नी सावित्री बहुत ही नेक दिल के थे और वह गरीब लोगों की मदद किया करते थे। उनके साथ कभी कोई ऐसा करेगा उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा।
एक दिन बहुत जोरों से आंधी तूफान चलने लगते हैं और जिसके बाद जोर की हवा बोतल पर लगती है और बोतल हवा के कारण नीचे गिरकर फूट जाती है, जिसके बाद हरिया और उसकी पत्नी सावित्री उसके तहखाने से आजाद हो जाती हैं। आखिरकार हम दोनों आजाद हो ही गए। अब हमें अपनी मौत का बदला लेना चाहिए। हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मुखिया ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये सोचकर वह दोनों मुखिया के कमरे में जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दोनों केवल आत्माएं थी, उनके अंदर कोई शक्तियां नहीं थी। जब तक पूर्णिमा की रात के समय चंद्रमा की किरणें उन दोनों पर नहीं पड़ती, वह दोनों गांव के मुखिया का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। अब हम क्या करें? हमारा बदला कैसे पूरा होगा? हमें सब्र से काम लेना होगा और मुखिया की नजरों से बचकर रहना होगा, नहीं तो वो हमें फिर से याद कर लेगा। ये सोचकर वो दोनों छुप जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं, जिसके बाद मुखिया गांव वालों से गाढ़े दूध के डबल पैसे लेने लगता है। अरे मुखिया जी, पहले दूध 30 रुपए किलो था, लेकिन आपने तो सीधा ही आधा रेट बढ़ा दिया। 60 रुपए किलो दूध कौन लेगा भला? जिसे गाढ़ा दूध चाहिए होगा वह खुद ले लेगा। अब जल्दी से साइड हट जाओ, लाइन में बहुत लोग खड़े हैं। गांव का मुखिया गांव वालों पर अत्याचार करने लगता है और धीरे धीरे वह लोगों को बहुत गरीब कर देता है और उनकी जमीन जायदाद भी उनसे खरीद लेता है। ये सब हरिया और उसकी पत्नी सावित्री से बिल्कुल नहीं देखा जाता, लेकिन वह दोनों कुछ नहीं कर पाते, जिस बात का उन्हें बहुत अफसोस था। एक दिन बाद पूर्णिमा की रात आने ही वाली होती है, लेकिन उससे एक दिन पहले गांव का मुखिया अपने तहखाने में जाकर हरिया और सावित्री की आत्मा को देखने के लिए जाता है, जिसके बाद उसे तहखाने के अंदर धरी हुई शीशे की बोतल नीचे फूटी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो दोनों यहाँ से भाग गए। अब मैं क्या करूँ? कहीं वो दोनों मुझे कुछ कर ना दे। ये सोचकर गांव का मुखिया काली पहाड़ी वाले अघोरी बाबा के पास जाता है, जिसके बाद अघोरी बाबा इन दोनों की आत्माओं को ढूंढने के लिए गांव के अंदर आ जाता है, लेकिन उसे उन दोनों की आत्मा कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो दोनों मुखिया के ही गौशाला के अंदर उसी की दो गायों के अंदर छुप जाते हैं। अगले दिन जैसे ही पूर्णिमा की रात आती है, वह दोनों चंद्रमा के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों के ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं और वह शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भगवान उन्हें एक वरदान देते हैं। तुम दोनों बहुत ही साफ दिल के हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत था, इसलिए मैं तुम दोनों को एक वरदान देता हूँ। आज से तुम सोने की गाय बनकर रहोगी और जब भी पूर्णिमा की रात होगी, तुम दोनों अपने मुंह से सोने के सिक्के निकाल सकते हो और उनसे गांव के गरीब लोगों की मदद कर सकते हो। भूत और चुड़ैल दोनों ही भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद वह दोनों अपना बदला लेने के लिए मुखिया के घर जाते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं, जिसके बाद उनका बदला पूरा हो जाता है। अब वह दोनों पूर्णिमा की रात वाले दिन गांव के हर एक गरीब के घर के बाहर अपने मुंह से सोने के सिक्के निकाल कर धर देते हैं, जिसके बाद गांव के गरीब लोग सुबह जब अपने घर के आगे सोने के सिक्के देखते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं। ऐसे ही भूत और चुड़ैल उस दिन के बाद से गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं। भिखारी का जादुई कटोरा। अरे सुनो, इस भिखारी पर तरस खाओ। अरे कुछ खाने को दे दो, पिछले 3 दिनों से भूखा हूँ। दौलतपुर गांव में रहने वाला भिखारी नरेश फटे मैले कपड़े पहने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, हाथों में टूटा फूटा कटोरा लिए भीख मांग रहा था। वो मंदिर में आने जाने वाले लोगों से खाना मांग कर अपना पेट भरता था। हे भगवान, क्या तूने मेरे हाथों में ये कटोरा आजीवन भिखारी बनने को थमाया है? अरे मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों? एक धनी व्यक्ति खिचड़ी की केतली लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे सभी भिखारियों को खाना देता है। नरेश भी अपना कटोरा आगे कर देता है, वो उसका कटोरा खिचड़ी से भर देता है। ये देख नरेश बेहद खुश होता है। शुक्रिया भगवान, तूने आज फिर इस भिखारी के पेट भरने का प्रबंध कर दिया। नरेश जैसे ही एक निवाला खाता है कि कुत्ता उसकी कटोरी में मुंह मार देता है। लगता है ये खाना तेरे भाग्य का है।
भिखारी अपने खाने का कटोरा कुत्ते के आगे परोस देता है और उसके खा चुकने के बाद भिखारी मंदिर के पास बने हैंडपंप पर उस कटोरे को धोने लगता है कि अचानक उसे कटोरी में छेद नजर आता है। ये कटोरा ही तो मुझ भिखारी के पेट भरने का एकमात्र जरिया था, लगता है अब ये भी मेरा साथ छोड़ने वाला है। भिखारी उदास मन से मंदिर के द्वार पर पड़ा रहता है। फिर आधी रात भिखारी भूख से छटपटाते हुए कहता है, भूख से मेरी आंतें सूखने को हो रही हैं, लगता है आज तो मेरी जान निकल ही जाएगी। उसी रात गांव में मूसलाधार बरसात शुरू होती है। आसमान में छाए काले बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लगातार चार दिन बरसात के कारण कोई भी गांववासी या व्यक्ति मंदिर में दर्शन के लिए नहीं आता। हे ईश्वर, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत परीक्षा हो गई, या तो मुझे भोजन दे या मेरी जान ले ले। अचानक बरसात की फुहार रुक जाती है और उसे एक तपस्वी अपनी तरफ आता दिखाई पड़ता है, जिसे देख भिखारी कहता है, रुको बाबा, इस भिखारी को कुछ खाने को दे दो, पिछले चार दिनों से अन्न का एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया। क्षमा करना, लेकिन मेरे पास इस कमंडल के सिवा तुम्हें देने को कुछ भी नहीं। ये कहकर वो तपस्वी आगे बढ़ जाता है। फिर वो रुक कर कहता है, मेरे पास इस भिखारी को देने के लिए भोजन भले ही नहीं है, पर वरदान तो है। तपस्वी भिखारी के पास आकर उसके कटोरे को निहारने लगता है। क्या हुआ बाबा, आप फिर से यहाँ? मेरे पास तुम्हें देने को भोजन तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इसी क्षण से तुम्हारा ये कटोरा एक जादुई सोने के कटोरे में बदल जाएगा। जो कुछ भी तुम इसमें डालोगे वो 10 गुना हो जाएगा, चाहे वो अन्न हो, रत्न हो या धन हो। ये कहकर तपस्वी वहाँ से चला जाता है और भिखारी उसका ठट्टा करते हुए कहता है, ये बाबा मुझ भिखारी को चूना लगा गए, मेरा टूटा फूटा कटोरा भला जादुई कैसे बन सकता है। फिर वो अपनी जेब टटोलता है और उसी एक सिक्का मिलता है। उस तपस्वी की बात में कितनी सच्चाई थी अभी जान पड़ेगा। भिखारी जैसे ही कटोरे में सिक्का डालता है, उसका कटोरा चमचमाते सोने के जादुई कटोरे में बदलकर 10 सिक्कों से भर जाता है। ये देख भिखारी का मुंह खुला और आंखें फटी रह जाती हैं। इसका मतलब ये तपस्वी एकदम सत्य कह रहा था, ये एक जादुई कटोरा है। अगले दिन एक धनी व्यक्ति मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने आता है और सभी भिखारियों को अच्छा खाना देता है। अरे भाई, अपना कटोरा आगे करो। आज इतने अरसे बाद मुझ भिखारी को कुछ अच्छा खाने को मिला है, लेकिन ये तो बहुत ही कम है, इतने में पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। मेरे जादुई कटोरे, इसे खाने को 10 गुना बना दे। अचानक जादुई कटोरे का आकार 10 गुना बड़ा होकर सोने में बदलते हुए ढेर सारा खाना प्रकट करता है। अब तो मैं मजे से खाऊंगा। ये देख सीढ़ियों पर बैठे बाकी भिखारी भी उस कटोरे के खाने पे टूट पड़ते हैं। शुक्रिया नरेश, आज तेरे जादुई कटोरे के कारण हम सभी को भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। तुम सभी जन ही तो मुझ अनाथ भिखारी का परिवार हो। भरपेट खाने के बाद भिखारी रात में चैन की नींद सो जाता है। अगले दिन कमला नाम की एक औरत सोने से लदी हुई मंदिर में भगवान की मूरत के सामने कहती है, अग्गा भाई, हे देवा, मेरे को और ज्यादा सोना पन्ना से भरना, हाँ, फिर मैं तेरे को 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएगी। भिखारी उसकी बातें सुन लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम एक अक्खड़ और कंजूस औरत हो जो धन के लालच से मंदिर आई हो। हलकट, तू मेरी बातें सुनता जी। मेरे पास एक जादुई कटोरा है, तुम अपने गले का सोने की चेन इसमें डाल दो, मैं तुम्हें 2 सोने की चेन दूंगा। ये सुन कमला ठाके मार कर कहती है, तू कमला ताई को वेड़ा समझा काए, हट मला जाऊ दे, तेरे पास जादुई कटोरा है तो खुद फटे हाल से माला माल काहे नहीं हो जाता, भिखारी। तुम्हें मुझ भिखारी की बातों पर भरोसा नहीं, तो ये देखो। भिखारी कमला के फल के डलिया से एक सेब निकाल कर अपनी कटोरी में डालता है कि जादुई कटोरा सोने में बदलकर हवा में उछलता है और एक तेज रोशनी के साथ कटोरा 10 लाल सेब से लबालब भर जाता है।
ये देख लालची कमला दंग रह जाती है। ए देवरे, भिकारी जल्दी से मेरे इस एक चेन को डबल करके दे। मेरे मददगार कटोरे, जल्दी से जादुई कटोरे में बदलकर मुझे इसका 10 गुना फल दे। भिकारी का साधारण कटोरा जादुई कटोरे में बदलकर 10 सोने की चेन से भर जाता है। ये लो, शर्त के मुताबिक तुम्हारे 2 सोने की चेन। मजा भी क्यों, तू तो करोड़पति भिकारी निकला, मैं कल फिर आएगी ठीक। भिकारी जादुई कटोरे के सोने के तमाम चेन को बेचकर अपने रहने के लिए एक घर खरीद लेता है और उस कटोरी को हाथ में लिए हुए कहता है, मैंने बरसों जिस कटोरे में भीख मांग कर खाया, आज उसी कटोरे ने मुझे फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा किया है। अब मेरे जीवन का मकसद है गरीब और भिखारियों की मदद करना। एक रोज जब वो जादुई कटोरा लिए जा ही रहा था तो उसे सड़क के किनारे एक अजीब औरत दूध मुहे बच्चे के साथ भीख मांगती नजर आती है। अरे कोई तो तरस खाओ, मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है। क्या हुआ बहन, तुम परेशान क्यों हो? मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है, पिछले 3 दिन 3 रात से मेरे पेट में कुछ भी नहीं गया, इसीलिए इसे दूध नहीं मिल रहा, मेरी मदद करो। तुम्हारे पास कुछ है? मेरे पास सूखी रोटी का यही एक टुकड़ा है। इतना ही काफी है, लाओ इसे मुझको दे दो। वो उस सूखी रोटी के टुकड़े को कटोरी में डालकर कहता है, मेरे जादुई कटोरी मुझे इस भूखे के लिए भोजन दो। जादुई कटोरा रोटी के एक टुकड़े को 10 ताजी रोटी में बदल देता है। तुमने ये कैसे किया? ये एक जादुई कटोरा है, हम जो कुछ भी इसमें एक डालेंगे वो 10 गुना हो जाएगा। मैं आपकी एहसान मंद हूँ जो आपने मुझे भोजन दिया, शुक्रिया। कुछ दूर आती ही उसे एक छोटी लड़की भीख मांगती दिखती है। वो दौड़कर उसके पास आती है। अंकल कुछ पैसे दे दो। बेटा मुझे अपना 1 सिक्का दोगी? हाँ ये लीजिए। नरेश उस सिक्के को कटोरे में डालकर कहता है, मेरे जादुई कटोरे जल्दी से मुझको ढेर सारे सिक्के दे। भिकारी का कटोरा सोने के चमचमाते जादुई कटोरी में बदलकर सिक्कों से एकदम भर जाता है। ये लो ये सारे सिक्के तुम्हारे लिए। शुक्रिया अंकल। जरूरतमंद की मदद के बाद अंत में भिकारी सुकून भरी मुस्कान के साथ गुनगुनाते हुए कहता है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अरे भाई दूसरों के लिए जीना ही असल मायने में जिंदगी है।